नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A22 वर्सेस Moto G40 Fusion का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A22 में 6.27 इंच जबकि Moto G40 Fusion में 6.68 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A22 में 2.9 इंच जबकि Moto G40 Fusion में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A22 में 0.33 इंच जबकि Moto G40 Fusion में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A22 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A22 में 186 ग्राम जबकि Moto G40 Fusion में 225 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy A22 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A22 में Super AMOLED जबकि Moto G40 Fusion में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy A22 में 20:9 जबकि Moto G40 Fusion में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A22 में 6.4 इंचेस जबकि Moto G40 Fusion में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy A22 में 720x1600 और Moto G40 Fusion में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A22 में 84.35% जबकि Moto G40 Fusion में 85.43% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Moto G40 Fusion में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A22 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Moto G40 Fusion की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy A22 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Moto G40 Fusion की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A22 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Moto G40 Fusion में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A22 में Mali G52 MC2 जबकि Moto G40 Fusion में Adreno 618 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A22 में MediaTek Helio G80 और Moto G40 Fusion में Qualcomm Snapdragon 732G मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A22 में 6GB की RAM मिलती है, जबकि Moto G40 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A22 में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Moto G40 Fusion में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy A22 में 5000mAh जबकि Moto G40 Fusion में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही
दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो गैलेक्सी A22 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें मोटो G40 फ्यूजन की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो सैमसंग गैलेक्सी A22 में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो G40 फ्यूजन की तो उसमें 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में गैलेक्सी A22 आगे है, मेन कैमरा में मोटो G40 फ्यूजन आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में मोटो G40 फ्यूजन आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A52 है जो कि 23,499 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी F62 है जो कि 22,399 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी A32 4G है जो कि 21,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A22 5G है जो कि 18,149 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।